जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल सास बहू का जायका। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हम घर में ही कंडेंस्ड मिल्क कैसे बनाएं। तो इसके लिए हमें लेना है 1 लीटर दूध, 200 ग्राम चीनी और 2 पिंच बेकिंग सोडा। अब हमने दूध को एक पैन में, मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है, आप चाहे तो कोई भी तरह का पैन, भगोना कुछ भी ले सकते हैं। नॉनस्टिक पैन में ये दूध डाला है और इसे बराबर चलाते हुए उबालें। जब दूध में उबाल आ जाए, आप देखें ऑलमोस्ट दूध में उबाल आ गया है, तो इसके अंदर हम चीनी डाल दें और इसे बराबर चलाते रहें। थोड़ी देर बाद करीब, जब दूध हमारा 20% to 30% रिड्यूस हो जाए, तब इसमें हमें बेकिंग सोडा डाल देना है और इसे बराबर चलाते रहें। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसमें एक बार थोड़ा झाग सा बन जाता है, फिर देखें धीरे धीरे इसे चलाते हुए बनाएं तो ये धीरे धीरे एक पीलापन ले लेता है, चीनी की चाशनी बन जाती है और इसमें गाढ़ापन आ जाता है। हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने पर ये ठंडा होने पर और भी गाढ़ा हो जाता है, वो जमने जैसा होने लगता है। तो हमें इसको जमाना नहीं है। तो आप देखें, मैं आपको बता रही हूँ कि हमें इसको कितना गाढ़ा करना है। आप चाहे तो इसकी एक डॉट प्लेट में लेके हाथ में लगा के देखें, अंगूठे उंगली के बीच अगर एक चिपचिपापन आता है तो हमारा कंडेंस्ड मिल्क तैयार है। या चम्मच से हम एक बूंद टपका कर दिखा रही हूँ मैं आपको कि इसमें एक तार सा बनता है, तो दैट मींस हमारा मिल्क मेड रेडी है। तो हमारा मिल्क मेड रेडी है, अब गैस बंद कर दें और इसे नीचे उतार कर थोड़ी देर चलाते रहें ताकि इसमें किसी भी तरह की मलाई ना जमने पाए। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो आप देखेंगे कि ये और भी गाढ़ा हो चुका है। तो हमें हमारा कंडेंस मिल्क बहुत अच्छे से रेडी है। मेरा 1 लीटर दूध में करीब 400 ग्राम ये कंडेंस्ड मिल्क बना है। तो आप भी इसे बनाएं और मुझे बताएं आपको ये कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें।